मसाला तैयार हो रहा है, तड़का, अदरक, लहसुन और प्याज, चुटकी भर हल्दी, मिर्ची, मसाला और स्वादानुसार नमक। और ये मसाला जब अच्छी तरह से भुन जाएगा तो इसमें डाली जाएगी पहाड़ों की एक अद्भुत मशरूम, एक कुकरमुता समझ लीजिए, ऐसा कुकरमुता कि जो मस्तिष्क की तरह जैसे फोल्ड्स होते हैं ब्रेन में उसी तरह का होता है, तो इसलिए इसको ब्रेन फंगस भी कहा जाता है। और ये कॉलीफ्लावर जैसा भी लगता है तो इसको कॉलीफ्लावर मशरूम भी कहा जाता है, लेकिन बसंतगढ़ के इलाके में इसको पिट बकरी कहा जाता है। जैसे भेड़ कहीं जंगल में बरसात के दिनों में बैठी हुई है। बनी के इलाके में इसको सेड़ी भी कहा जाता है, भद्रवाह के इलाके में भी। और देखिए इसमें थोड़ा सा जो है पानी डाला गया है, तड़का बना हुआ है। और अब इसको भी थोड़ा सा धीमी आंच पे पकाते रहिए और जब ये पानी सूख जाएगा उसके बाद इसमें ये कैबेज मशरूम जो है, ब्रेन फंगस जो है वो डाले जाएंगे। मशरूम्स बड़े प्रोटीनेशियस रिच होते हैं और इनको पहाड़ी लोग बरसात के मौसम में चुनकर लाते हैं, लेकिन बहुत से कुकरमुते विषैले भी होते हैं, तो ये भी ध्यान रहे कि कौन सा कुकरमुता खाने योग्य है और कौन सा विषैला है। तो ये आप देख रहे हैं ब्रेन फंगस कॉलीफ्लावर मशरूम, अब हमने डाल दी है और ये धीमी आंच में पकती रहेगी स्लोली स्लोली। और ये कुकरमुता जो है कल एक वन महोत्सव का कार्यक्रम हुआ, वन मुख्यालय फॉरेस्ट रिसोर्स मैनेजमेंट सेंटर नरवाल जम्मू में, और वहाँ पे ये डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर बिलावर के विवेक मोदी उनके कर्मचारियों ने इसको मुशेरी के इलाके से लाया है। और ये मशरूम बहुत बड़े साइज की थी, इसका थोड़ा सा हिस्सा हमने ये बनाया है। इस मशरूम के हम स्नैक्स भी डेवलप कर सकते हैं बेसन के साथ पकौड़े के रूप में, या इसको पुलाव में भी हम शामिल कर सकते हैं, तो मशरूम का पुलाव भी बन जाता है। लास्ट ईयर 2022 में फूड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट में हमने इसको बनाया था और काफ़ी लजीज व्यंजन बना था। तो अब हमने इसको ढक्कन दे दिया है ताकि ये स्पोरेसिस क्रिस्पा जिसका बोटानिकल नाम है वो वाली मशरूम जो है 10 मिनट में बन के तैयार हो जाएगी। तो कल एक अद्भुत वन महोत्सव मनाया गया जम्मू शहर में, यहाँ पे इसी प्रकार के कई खाद्य व्यंजन जो जंगली कंदमूल पेड़ पौधे से ही बनाए गए थे, जैसे ग्वालमंडा का पकौड़ा था, सुल जो है, शूं भी बसोली में कहा जाता है, सुल या शूं या सुलूस पर्च, उसका बहुत ही मीठा मुरब्बा जो उधमपुर के श्याम लाल अग्निहोत्री जी लाए थे बनाकर, बेहतरीन उम्दा लाजवाब रेसिपी थी। साथ में ही सुल शूं यूफोरबिया राइलियाना का रायता था, रायता में उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से जो है शामिल किया था तिम्बरू भी, ज़ेंथोसाइलम आर्बेटम, और साथ में ज़ेंथोसाइलम आर्बेटम के जो फ्रूट के बाहर की वाल होती है, छिलका जो होता है, उसको धनिया के रूप में डाला था खमीरों में, तो तिम्बरू खमीरे भी लाजवाब स्वाद लिए हुए थे। जिस फर्स्ट डिवीजन बिलावर से ये कुकरमुता ब्रेन फंगस कॉलीफ्लावर फंगस पारेसिस क्रिस्पा आई थी, वहीं से आया था रिबड़ू,
हिच हाइकर्स एलिफेंट ईयर प्लांट रेमसेशिया बेबी पैरा, उसका भी खट्टा जो था वो लाजवाब था। और किश्तवाड़ के मड़वा वैली से आई थी गुच्छी और गुच्छी का पलाव। ऐसे ही बटरू एक जंगली प्यास, एलियन विक्टोरियलिस विक्टोरियानिया उसका भी साग। और सागों में एक खास लाजवाब पेय था, चाय थी ताजू चाय, क्या हुसन भरा रंग था लाल गुलाबी, जिसको लोहे मल्हार के केबल परिहार लाए थे। उसका बार्क युआनिमस ल्यूसिडस फ्रेली फ्लावर स्पिंडल ट्री, उसकी बार्क की चाय लोहे मल्हार बनी के इलाके में लोग पीते हैं। तो कल के वन महोत्सव में हमने उसको भी जगह दी थी, शामिल किया था, वो पे डेवलप हुआ था वहां पे। और ऐसी एक माचरण चाय जो कश्मीर की बड़ी फेमस है और हमारे पहाड़ों में उसको मुंडी चाय भी कहा जाता है, या मलशैन डोगरी में हम कहें, बिस्टोटा ब्लैक्सिकॉलिस, उसकी राइजोम्स की भी बहुत ही गुलाबी रंग की चाय जो है बनाई थी। तो अब ये कुकुरमुता बन रहा है। तो इस बार का जो वन महोत्सव था, वन महोत्सव जरा हटके था।